Jenny from the Just doing this. Ready? ओके सबसे पहले तो रश्मि की गेम को लेकर आप लोगों की क्या कहना है? She's playing good. Currently, so she's playing amazingly. I think so. I hope so. She wins the way she's playing now. Actually, when I started watching the show, initially I was thinking that she's not playing a game, and I still feel that she's being herself. And the way she's going, I feel. इसीलिए इतने सारे fans उन्हें support कर रहे हैं, and we are supporting as brothers. And she's coming across not because I am we are the brothers. That's why we are speaking about it, but. She is very close to winning it. Okay. वहीं हाल ही में रजत शर्मा जो गए थे घर पे, हमने देखा कि वो रश्मि और सिद्धार्थ के रिलेशनशिप पर सवाल कर रहे थे. तो लगता है कि अब तक जो यू नो रश्मि और सिद्धार्थ ने नहीं कहा ऑडियंस से, अब शायद फिनाले के पहले ही यू नो सारी चीजें बाहर आ जाएंगी कि कैसे हुआ था, कुछ क्या एग्जैक्टली रिलेशन था. एक्चुअली टिल द टाइम हमें पता है, सी बहुत नॉर्मल सी बात है, जब दो एक्टर्स एक साथ में काम करते हैं तो उनके लिंकअप्स होना बहुत ही नॉर्मल है, बिकॉज दे ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री इज सच स्ट्रॉन्ग दैट पीपल स्टार्ट रिलेटिंग दैट दे आर कपल. एंड ये कहीं ना कहीं मिस जजमेंट हो जाता था कि कहीं ना कहीं बिहाइंड द सीन कुछ चल रहा है या ऐसा है. देखिए मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, एक दूसरे से बात करना भी बंद कर देते हैं, लेकिन आई थिंक सो रश्मि एंड सिद्धार्थ आर स्मार्ट इनफ इन द हाउस दैट बिफोर दे कम आउट ऑफ द हाउस दे विल क्लेरिफाई एवरीथिंग एंड क्लियर ऑल द मिसअंडरस्टैंडिंग एंड स्टार्ट विद अ न्यू फ्रेश फ्रेंडशिप. एंड दैट्स व्हाट हाउ मच आई कैन टेल अबाउट रश्मि एंड नॉइंग व्हाट इवन आई वुड लाइक टू स्टिल से आज सच कहना चाहेंगे रश्मि और सिद्धार्थ का जो रिलेशनशिप रहा है, कहीं ना कहीं वो जब भी झगड़ा होता है तो यू नो वो अटक जाते हैं कुछ ना कुछ हाफ सेकंड. व्हाट द पास्ट आई थिंक मीडिया नोस व्हाट हैड हैपेंड ऑन द सेट, क्या क्या चीज हुई थी उससे ज्यादा ना हमें भी पता है. आई नो फाइट वाइट के बारे में मुझे पता है, आई डोंट नो मोर डिटेल्स देन दैट. अच्छा रश्मि की जब भी बात आती है, करुणा फ्रॉम से लिख रही, जब भी रश्मि की बात आती है तो वो बहुत इमोशनल साइड उनका बहुत बात देखने को मिला है, जहाँ वो माँ को मिस कर रही है, घर वालों को मिस कर रही है. तो उस साइड में जाना चाहेंगे कि क्यों ऐसा नहीं होता है कि आपको देखना मिले या मदर को या फिर किसी और रिलेटिव को देखना मिले. भांजे भतीजे को हम देख चुके हैं, मुझे भी देख चुका है, मॉम को भी देख चुके, मॉम हैज कम आउट फॉर द इंटरव्यू एंड वी इवन नो दैट शी इज नॉट वेल हाफ ऑफ द टाइम. सो व्हाई नॉट इन द बिग बॉस शी इज नॉट वेल एट दैट टाइम. या शी इज नॉट वेल, शी इज द ट्वाइस पैरालिटिक अटैक आ चुका है उनको. सो शी इज अ पेशेंट, शी हैज हाई डायबिटीज आल्सो, सो शी इज हाउ गुड एंड एट होम शी इज समथिंग और यू थिंक शी इज ऑन मेडिसिन मोस्ट ऑफ द टाइम. सो टाइम के दुख में आई थिंक सभी लोग शामिल हैं, हम भी शामिल हैं जर्नलिस्ट. चार महीने से देख रहे हो इमोशनल पार्ट. अच्छा एक भाई के तौर पे कितना स्ट्रॉन्ग पाते हैं, क्योंकि इमोशनली उनके बहुत अप्स एंड डाउन हुए हैं. हम बहुत बार बिग बॉस के हाउस में दर्शक भी देख रहे हैं, हम भी देखते हैं, कितना स्ट्रॉन्ग आपको लगता है कि वो इस तरीके से लड़ रही होंगी अंदर इमोशनली? बहुत स्ट्रॉन्गली शी इज प्लेइंग. जितना कुछ हुआ है, जितनी पर्सनल लाइफ खोली गई, आई डोंट थिंक उतनी रश्मि के अलावा किसी की खोली गई है इतनी पर्सनल लाइफ. और फिर आप बोल रहे हो कि गेम पे कॉन्सेंट्रेट हो, तो वो गेम पे कॉन्सेंट्रेट है या बाहर क्या हो रहा है, यू नो शी थिंकिंग ऑल्सो अबाउट द मदर बिकॉज़ शी इज नॉट वेल. तो सबके बारे में सोच सोच के शी इज स्टिल स्टक इन द गेम एंड वेरी स्ट्रांगली स्टक इन द गेम. सो आई फाइंड वेरी स्ट्रांग व्हाट एवर हैज हैपेंड थ्रू आउट द बिग बॉस जर्नी एंड द वे शी हैज स्टेड यू नो वेरी ग्रेसफुली शी इज प्लेइंग द गेम टिल डेट. Certainly, everybody loves her a lot, especially to match with as a journalist and as a women also, I really respect her a lot. But at the same time, Arhan ka jo bhi kuch hua hai, national channel par aa gaya hai, कितना टफ गया होगा भाई के तौर पे, आप उनको क्या लगता है कितना सी टॉकिंग अबाउट दिस जस्ट टू एड अप टू गौरव स्टेटमेंट. जब आप पे कोई चीज़ बीतती है या इमोशनली आप ज़्यादा बहुत वीक होते हो, तो मतलब क्या होता है कि आप अपनी दो लोगों को बात नहीं बताते हो, कभी कभी आप अपने ही अंदर रखते हो. वो लड़की वहाँ नेशनल टेलीविजन पर के लिए, साथ ही साथ उसे ये कंट्रोल करना है मेरे इमोशंस बाहर आए क्योंकि कैमरे मेरे पे.
साथ ही साथ वो उस बैटल से लड़ रही है कि यहाँ उसका कौन दोस्त है कौन नहीं है, प्लस वो है प्लस पास इश्यूज के साथ. तो आई थिंक सो इट्स हैट्स ऑफ टू हर दैट शी इज बैलेंसिंग आउट सो मच व्हेन शी नोज दैट द होल इंडिया इज वॉचिंग एंड फाइटिंग इट आउट थ्रू दैट एंड कमिंग आउट एज अ स्ट्रॉन्ग वुमेन इटसेल्फ. एंड वी ऑल नो दैट वुमेन हैव अ मोर इमोशनल साइड, दे हैव अ वेरी गुड आउट व्हेन इट कम्स टू मेन एट टाइम्स. सो आई फील दैट She's fought the battle, she's kept herself balanced, she's kept that pride, dignity in the show. Aur jis tarah se wo bahar ye hafte tak pahunchi hai, I think so, I genuinely feel that if I would have been at her place, I think so, I would have fallen weak. And kabhi kabhi hota hai ki main ro padta shayad, aur wo rona mera khayal se at times we people think that wo rote hai to aisa lagta hai ki drama ke liye kar rahe hai, emotional side ke liye, but Rashmi is like that. Rashmi is emotional as a person and she somewhere down the line is more a family girl when it comes to missing the family. Rashmi aur Siddharth ka equation aaya kahin na kahin lagta hai ki you know in a way Siddharth bhi kabhi kabhi unki you know kind of he's been strong support for Rashmi. Yeah, some phases, yeah, he has supported them. I think now the you know the settled their egos and everything. आप एक इंसान से एक बार गुस्सा हो सकते हो. द काइंड ऑफ पर्सन रश्मि इज, रश्मि ऑल्सो फॉरगिव्स एंड लेट्स गो ऑफ थिंग्स. सो एक ही घर में पिछले 12-16 हफ्ते होने आए, तो मेरे ख्याल से एक ही घर में है तो वो गिले शिकवे कितने दूर तक हम रख सकते हैं. तो रश्मि इज ऑल्सो जस्ट लेटिंग इट गो एंड दैट्स व्हाट आई सेड दैट बाय द टाइम दे कम आउट ऑफ द हाउस आई थिंक सो एवरीथिंग विल बी अ फ्रेश बॉन्ड एंड दे विल स्टार्ट अ न्यू फ्रेंडशिप. आई थिंक इफ यू हैव सीन दैट एलिट क्लब का वीडियो, शी इज सिटिंग इन द मसाज एंड टॉकिंग अबाउट पीपल को कितनी मौके देती है. आई थिंक यू विल नो हर एज अ पर्सन व्हाट शी इज आफ्टर वाचिंग दैट बिट ऑफ क्लिप. शी लाइक शी हैज अ हैबिट ऑफ गिविंग चांसेस टू पीपल. एलिट क्लब की अगर मैं बात करूं, रश्मि एलिट क्लब की मेंबर बन गई. थैंक यू फॉर योर गाइस, यू गाइस जो भी थे वहां पे मीडिया से मौजूद, थैंक यू फॉर गिविंग अस दैट मेंबरशिप. कई लोग कह रहे हैं कि वो डिजर्व करती हैं, कई लोग कहते हैं वो नहीं डिजर्व करती. किसी के साथ भी नहीं होगा इतना, लाइक उसकी बात भी जिस तरह से सलमान खान उन्हें गाइड कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, और कल जो अदालत हुआ रजत शर्मा का, उसमें भी उन्होंने बोला कि एक इंसान की तरह हम उसे सपोर्ट कर रहे हैं, ना कि बायस होकर. सो उस पर आपकी क्या राय है? जब सपोर्ट कर रहे तो डेफिनेटली रश्मि राइट होगी, तभी सपोर्ट कर रहे हैं. सलमान सर भी लोग कर रहे हैं, बहुत अच्छे से कर रहे हैं. जब वो इमोशनल हो रही है उनको समझा रहे हैं. सो आई थिंक ही नोस हर एज अ पर्सन, दे हैव शी हैज वर्कड विद हर आल्सो बिफोर, सो शी नोस हाउ नाइस एज अ ह्यूमन बीइंग शी इज एंड हाउ स्ट्रांग शी इज एंड द रीजन शी इज सपोर्टिंग एंड आई एम वी आर वेरी थैंकफुल दैट ही इज सपोर्टिंग हर एंड वी जेन्युइनली फील दैट at times people have even considered that this is fake, that this is a fake person which is coming on screen. But fake insan ek had tak reh sakta hai, uske baad to zyada din to apne saath bhi banavati nahi reh sakta. So I think so whatever Rashmi is getting support because that's her originality, that's Rashmi Desai, and that's what I have always kept saying from day one, ki if she cries that's the time she's definitely feeling some pain. If she's not crying, she's not saying anything, that means she's controlling that emotion and she's not letting it out. So it's not her ego, it's not her attitude, but it's just that life mein itni sari cheeze upar niche hoti hai, aap itni sari cheeze face karte ho, that you have to keep a shield in front of you, and that's what Rashmi does. Rashmi, we will go to Rashmi, we will go to Rashmi, we will go to Rashmi. हर बार ये नहीं होता कि कोई अगर आपको कोई कुछ बुरा बोल जाता है या कहीं कुछ आपको कोई पोक कर जाता है, तो इट्स अ नेचुरल ह्यूमन बीइंग फीलिंग दैट आप जस्ट बोल देते हो उसे. तो एज एन एक्टर वो ह्यूमन बीइंग भी तो है, मतलब कि अब एक्टर हमेशा हमारे साथ लेबल रहता है कि हमें गुस्सा नहीं होना चाहिए, हमें इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए, बट हम एक साधारण आदमी हैं, मतलब वी हैव टू, मतलब वी विल स्पीक आवर हार्ट आउट एट टाइम्स. कभी ये टेंशन नहीं होता बाहर जाके हमारे इमेज को धक्का पहुंचेगा, बिकॉज़ रिसेंटली व्हेन आई स्पोक टू नाफा की सर के बहुत सारे चीजें हुई बाहर आके, मुझे टाइम लगा लेकिन मैंने अपने नेगेटिविटी को घटाया भी है. तो ऐसा होता है नहीं, इट्स सी एज एन एक्टर देयर इज अ रिस्पांसिबिलिटी बिकॉज़ यू आर अ पब्लिक फिगर.
यू पीपल लुक अप टू यू एट टाइम्स, देर आर फैंस हु लुक अप टू यू. सो इट इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू नो वॉट टू स्पीक, वॉट नॉट टू स्पीक एंड टू यूज द राइट वर्ड्स. बिकॉज कहीं ना कहीं जब हम शोज करते हैं, कैरेक्टर्स करते हैं, तो फैमिलीज इमेजिन करती है, अरे वाह ये कितना अच्छा लड़का है. सो दे हैव अ इमेज ऑफ अस. सो वी आर ओनली बिल्डिंग दैट इमेज एंड वी ओनली स्पॉइल इट व्हेन वी आर आउट एंड वी डोंट टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द वर्ड्स एंड आर एटीट्यूड. देन डेफिनेटली दैट्स द साइड इफेक्ट्स ऑफ बीइंग एन एक्टर. मुझे तो लगा रश्मि को इतना भी नहीं पता, दिस इज अ बिगर शॉक फॉर मी. बट या इन दैट सेंस वी आर थैंकफुल टू बिग बॉस. फैमिली के बीच में सॉल्व होनी चाहिए थी. एज ब्रदर्स वी शुड हैव नोन अबाउट इट, बट नथिंग अगेंस्ट रश्मि, बिकॉज टुडे व्हाट एज ब्रदर्स वी फील दैट रश्मि हैज टेकन अ स्टैंड एंड दैट्स व्हाट एवरी ब्रदर वांट्स. दैट लाइफ में हमारी बहन कहाँ कहीं जहाँ कहीं भी हो, शी नोज वॉट शी इज डूइंग, शी नोज वॉट शी वॉन्ट्स एंड शी टेक्स द स्टैंड फॉर द राइट एंड एज ब्रदर्स वी फील दैट शी इज टेकन द राइट स्टैंड नाउ. रश्मि की अगर बात करो, घर के अंदर वो सबसे दोस्ती करके रहती है और फ्रेंड बनाने को जैसे सना को एकदम बच्चे की तरह यू नो उनको समझाती है. यस, और देखा जाए तो जब उनके फ्रेंड की बात आती है कोई उनका फ्रेंड नहीं बनता है जेन्युइन. That's the मतलब वो because everyone are playing game and that also very badly. Like मतलब जब भी stand लेने की बारी आती है true friendship how Rashmi keeps the friendship. हाँ वही तो मैं बोल रहा हूँ, no one keeps the best friendship like the way Rashmi keeps it and she supports. नहीं but that but Gaurav I feel that is again individual's choice. मतलब that's how that's what Rashmi is. She will always stand for the person. She'll always take care of the friendship. But if the opposite person doesn't do it, she that's what her persona is that she will not expect but she will keep doing. अच्छा Gaurav just बिग बॉस तेरा की बात करें तो हिंदुस्तान में तो टीआरपी के मामले में धमाल मचा रहा है, इंटरनेशनल सपोर्ट भी मिल रहा है, जैसे कि जॉन सिन्हा ने अर्जुन के पोस्ट डाले, फोटो डाले और साथ ही साथ फास्ट एंड फ्यूरियस ने अपने ऑफिशियल पेज पर मेंशन किया सरदार शुक्ला और अर्जुन को, तो इससे क्या कहना चाहिए? No, but I have gone through the post and I feel international support coming for the first time in Big Boss 13 is a great, great achievement for the channel also and for the contestants also. And this proves that it's not only famous in India, but globally people are loving the content and it's reaching on another scale. So great support for Siddharth and Aseem and I feel genuinely happy that international players are coming into support. बट अगेन एवरी शो हैज अ डेस्टिनी. आई फील विद 13 दिस हैड टू कम एंड एट टाइम्स वी फील दैट द शो इज लूजिंग आउट चार्म, बट 13 हैज गॉट बैक दैट चार्म एंड इट्स गॉट बैक इनटू दैट गेम ऑफ नंबर्स एंड इट्स रीच्ड वेयर द चैनल वाज विशिंग टू रीच फ्रॉम लास्ट फ्यू इयर्स. ओके गौरव, एट द सेम टाइम आपसे ये जानना चाहूँगी कि रश्मि ने बोला था कि बचपन में जब लक्ष्मी आई थी तब वो छपा के प्रमोशन थी, उन्होंने बोला था कि बचपन एक मॉम वो मौका भी आया था व्हेन आई ट्राइड टू कमिट सुसाइड, तो उनको लगता था कि शी इज नॉट अप्रिशिएटेड एज अ ह्यूमन बीइंग इन द फैमिली. वर यू अवेयर ऐसा कुछ हुआ था आपको? तो बाद में ऐसा कभी देखना मिला? नहीं बाद में, दैट वाज फ्रॉम हर दादी साइड नॉट फ्रॉम एनीवन एल्स. देयर वाज अ वेरी क्लोज वन ऑफ द कैंपर्ड आफ्टर लाइक मेरे पहले को पैम्पर्ड हो तो वो रश्मि है इन द हाउस लाइक द मोस्ट पैम्पर्ड. वो आज भी उस बुरे पैच को भूली नहीं. हाउ डू यू हेल्प हर टू मूव फ्रॉम दिस सिचुएशन? वी नेवर हैड अ वर्ड अबाउट दिस टॉपिक सो व्हेन शी इज आउट वी ट्राई टू टॉक अबाउट इट. ओके, ऑल्सो वन मोर थिंग सिंस वी आर मीटिंग यू राइट, ऐसी जो खबरें आ रही थी कि अहान के पास रश्मि की जैसी चाबी है और रश्मि के अकाउंट को वो ऑपरेट करते हैं, इन सभी बातों को लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? आई डिडंट नो अबाउट इट. बट आई फील दिस आर ओनली द टॉक्स, मतलब कि कहीं ना कहीं ये सिर्फ बातें होती है उस चीज़ की. मतलब हमें कैसे, अगर मैं आपसे ये सवाल पूछूं कि क्या आपको पता है, क्या आपने उसे कभी चेक इशू करते हुए देखा है, क्या आपने उनके सिग्नेचर्स देखे, क्या आपने कभी, मतलब ये ऐसी चीज़ है जो हम किसी चीज़ का प्रूव नहीं कर सकते. मतलब I definitely feel it's Siddharth, Rashmi and
Awesome. You like Siddharth, Sana and Rashmi? Why Sana and why? I like Sana. I've already said before that Sana is my husband. Like, I love the way she's entertaining. Okay, Sana ke saath jo bonding hai Rashmika ya fir Asim ke saath jo bonding hai Rashmika, dono mein se kaun sa zyada pasand aata hai? Sana, she feels her like me. So, and Asim, they have a good friendship. So, I like both the things. Both the things are very different. And she never expects anything from Sana. She just helps whatever she needs. She just helps her out with whatever she needs. Jaise usne bola ki milegi, ye mangwa ke de diya, wo mangwa. She helps her, because she treats her like me. She sees me in her, Sana. चल भाई रश्मि मैं विश कर रहा हूँ I start. Okay. So I couldn't enter the house. Oh, can I say it in Gujarati also a bit? Yeah. It will look nice. Hey, Ben. Ghare nathi aayo. Sorry. I couldn't come inside the house. But I am seeing you. And I'm very, very proud of you as a brother. Was upset with you. But you stood like a warrior. You've been there. Survived this much, you have reached till here, and that's the sign that you're going to make it till the trophy. And I as a brother, and Gaurav as a brother, will be standing outside the house for that first hug. And to best, yeah? The way you are, that's why we both love you. And no matter what anybody says, we are there for you, and we love you, and we are waiting for you with the trophy. Very happy birthday. I hope so audience aapko as a birthday gift wo trophy birth 30 ki trophy de de which you deserve fully, I feel. And the way you have stood up throughout the season, you know that you are my inspiration. Aur hum main kitna close ho aapse. So I just feel happy, you know, a very happy birthday, and we'll be waiting for you outside once you're out. We'll be standing for you. Thank you.